नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भारत उन देशों में से है जो चाहे अनचाहे अपने दुश्मनों से घिरा रहता है। चीन हो या पाकिस्तान, ये देश हर वक्त भारत पर घात लगाए बैठे रहते हैं। दौर भी ऐसा आ गया है कि दुनिया भर में देशों के बीच में आपसी तकरार बढ़ रही है। कई देश खुलेआम एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग को एक साल से ज्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ चीन और भारत के बीच पेंगोंग लेक को लेकर लंबे समय से तकरार बनी हुई है। दोनों सेनाओं के बीच में खूनी झड़प भी हो चुकी है। कोरोना के बाद आर्थिक संकट से घिरा चाइना अपने नागरिकों के गुस्से का सामना कर रहा है। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरी बार फिर से सत्ता में आ चुके हैं। अब ऐसे में एक्सपर्ट्स द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि अपनी घरेलू परेशानियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। और बाकी पाकिस्तान के आतंकी चालों से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। इन सभी चीजों के बीच में भारत ने भी संभावित खतरे को देखते हुए अपनी सैन्य तैयारियों को तेजी के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में अभी भी टॉप पर बरकरार है। साल 2018 से 2022 के बीच में दुनिया भर में जितने भी हथियार इंपोर्ट हुए हैं उसमें 11% आयात केवल भारत में हुआ है। हालांकि यह आंकड़ा पिछली बार से कुछ गिरा है, लेकिन फिर भी भारत हथियार खरीदने में सबसे आगे है। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा आम इंपोर्टेशन रशिया से होता है। अकेले रूस से ही भारत लगभग 45% हथियार खरीदता है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के नाम दर्ज यह आंकड़ा कोई नई बात नहीं है, बल्कि साल 1993 से ही हथियार खरीदने में सबसे आगे रहा है। इस डेटा के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो इसे एक तरह से डीआरडीओ का फेल्योर भी माना जा रहा है, क्योंकि इतने साल बाद भी भारत को दूसरे देशों से हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। यहाँ पर मोदी सरकार का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दोनों ही फेल होते दिख रहे हैं। भारत के अलावा दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे नंबर पर 9.6% के साथ सऊदी अरब है, जबकि कतर 6.4% के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया 4.7% के साथ चौथे और चाइना 4.6% के साथ पांचवें स्थान पर है। अब अगर एक्सपोर्टर्स की बात करें तो हथियार के निर्यात में 40% के साथ सबसे आगे अमेरिका है। दूसरे नंबर पर 16% के साथ रशिया है। 11% के साथ फ्रांस तीसरे, 5.2% के साथ चाइना चौथे और जर्मनी 4.2% के साथ पांचवें स्थान पर है। भारत में लगातार बढ़ते सैन्य हथियारों के निर्यात से एक बात तो साफ है कि अगर किसी भी स्थिति में युद्ध की गुंजाइश बनती है तो दुश्मन देश का हारना निश्चित है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।